आइए आज के महात्मा एपिसोड में हम आज आपसे मिलाएंगे एक ऐसा शख्स के साथ जिन्होंने इस वास्तव जीवन में कठिन सत्य के साथ लड़ते हुए भी एक आध्यात्मिक जीवन शैली में हजारों लोगों को प्रभावित कर चुके हैं। जहां लोग अपना स्वार्थ के बिना कुछ नहीं सोचता था और स्वार्थ के लिए जहां लोग हिंसा को ही समाधान मानते थे, वही जगह पर इन्होंने एक नई रोशनी दिखाई जिसमें आज वह जगह नर्क से स्वर्ग बन गई और साथ ही साथ में एक नया समाज को भी इन्होंने प्रतिष्ठा कर दी है। यह काम सुनने में जितना आसान लग रही है, करने में इतना इनको 10 साल लग चुका है आइए, कौन है आज के महात्मा, हम आपसे मिलाते हैं इनसे। भारत की उत्तर पूर्व दिशा में असम राज्य है, जहां ज्यादातर ऊंचे ऊंचे पहाड़ या घने जंगलों में घिरा हुआ दिखाई देता है। इसमें छोटे शहर है, गांव है, बस्ती है और यहाँ पर बहुत सारी टी इंडस्ट्री बन चुका है। चाय बागीचे के लिए यह राज्य जियोग्राफिकल एनवायरमेंट में स्थित है। भारत की एक चौथाई चाय असम राज्य से सप्लाई होती है। इनमें से एक चाय बागीचा जिसका नाम मेदली टी एस्टेट है, ये असम के करीमगंज जिले में स्थित है। ये बागीचा घने जंगलों से घिरा हुआ है और इतना खतरनाक जियोग्राफिकल एनवायरमेंट में बसी हुई है कि मौत यहाँ चारों तरफ से घिर रखा है। घने जंगलों में जंगली हाथी खुलेआम घूमते हैं और कभी कभी इस इलाके के छोटे छोटे गांव को उजाड़ देते हैं। ये तो गई जंगली जानवर की बात। यहाँ में काम करने वाले जितने लेबर लोग हैं, इनका समाज में भी खतरा दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा था। इन लोगों को ना तो खुद का चिंता था, ना इनके परिवार वालों की। आपस में झगड़ा और खून खराबी हमेशा लगा रहता था और मारपीट एक खेल जैसा ही था इन लोगों के लिए। और सबसे दुख की बात तो यही था कि इन लोगों को लेकर ही इस मेदली टी एस्टेट का प्रोडक्शन चलाना पड़ता था, जहां हर वक्त कामकाज के रुकावट पैदा होता था। सन 1993 में एक साधारण मैनेजर के रूप में राजेंद्र प्रसाद पांडे जी यहां मेदली टी एस्टेट में ज्वाइन किया। राजस्थान से अपना घर बार छोड़ के इन्होंने इस जंगल में एक नए जीवन की शुरुआत करने चला आया और आने की बात ही उन्हें पता चला कि आगे इनकी जिंदगी में बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ करना है। उनके जगह अगर कोई दूसरा होता तो शायद वह इंसान नौकरी छोड़ के घर ही लौट जाता। लेकिन राजेंद्र जी ने एक नया दायित्व को अपना लिया। वे पीछे हटने वाला इंसान नहीं थे, इन्होंने हर परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार हो गए। इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यह था कि यहाँ का लेबर लोगों का जीवन शैली को बदलना। इसका नाम सेपेंजुरी बिल टी स्टेट है। ये करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में आता है और पत्थरकंडी एरिया के अंदर में है। ये कंपनी, जैसा कि सबसे पहले चाय बागान जब भारत में खुलने शुरू हुए थे उनमें से एक बागान है, और 1965 में जो ब्रिटिश कंपनी बामन लोरी थी उससे ये बसंतीपुर टी कंपनी, जो प्रेजेंट कंपनी, उन्होंने परचेज किया था। गार्डन जब बामन लोरी के अंडर में था तब भी 33 गार्डन्स उस कंपनी में थे, लेकिन ये गार्डन की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी इसलिए उन्होंने इसको सेल किया। और कुछ लेबर फोर्स थी, एरिया था लेकिन प्रोडक्शन नहीं था। 5 लाख के जी मेटी प्रोडक्शन में 2400 परमानेंट फोर्स लेके कोई भी गार्डन चल ही नहीं सकता है। बहुत कुछ प्रॉब्लम्स के बाद में 1985 से 20 इयर्स स्ट्रगल करने के बाद में ये कंपनी ने 85 के बाद में कुछ डेवलपमेंट का काम शुरू किया। राजेंद्र जी की सोच विचार बहुत ही ऊंची किस्म का था। इन्होंने आध्यात्मिक चेतना से जुड़े कर्म का ज्यादा ही पसंद करते थे। इन्होंने सोचा लोगों की आत्मा अगर सुधर जाए तो इंसान एक महान आदर्श से चलने का रास्ता अपनाएगा। राजेंद्र जी कहते हैं हर इंसान के दिल में भगवान बसी हुई है, उन्हें सिर्फ जागृत करना है। जब आत्मा जाग उठता है तब अशुभ शक्ति अपने आप ही दूर हो जाता है। इसी सोच विचार से इन्होंने चाय इंडस्ट्री के पास भगवान शिव जी की एक छोटा सा मंदिर बनाया और वहां सुबह शाम खुद पूजा पाठ करने लगे।
धीरे धीरे भक्तजनों की संख्या बढ़ना शुरू हो गया और 10 सालों में यहाँ हजारों भक्त बन गए। इस मंदिर को भी इन्होंने अपना ढंग से सजाया, जो आज एक तीर्थ भूमि के रूप में ये मेदली जाग उठी है। आध्यात्मिक चेतना से यहाँ का हर आदमी बुरा काम और हिंसा को छोड़कर एक आध्यात्मिक जिंदगी बिताना शुरू कर दी। राजेंद्र जी के लिए यह एक बहुत बड़ा सफलता था। इन्होंने इंडस्ट्री चलाने के लिए ये काम नहीं किया, आम जनता के लिए इनका दिल में जितना प्यार था इसी को ही वास्तविक रूप था यह सब। जो मूल कारण यही था कि मैं एक इंडस्ट्री चला रहा हूं, लेकिन इंडस्ट्री चलाते चलाते मैंने गार्डन डेवलपमेंट के अंदर में प्लांटेशन का डेवलपमेंट किया, फैक्ट्री का डेवलपमेंट किया, ऑफिस वगैरह डेवलप किए। एक बहुत अच्छा एग्जीक्यूटिव का फोर्स यहाँ पे मैंने डिप्लॉय किया, लगाया, एम्प्लॉय किया। सब सारी जो अचीवमेंट है, जब मेरे को लगी कि अगर सही मायने में मैं इसको एनालिसिस करूं तो मेरे को जीरो लगा। क्योंकि ठीक है, आदमियों के अंदर में अनएम्प्लॉयड था, वर्कर्स अनएम्प्लॉयड रहते थे, प्रोडक्शन बढ़ने से, गार्डन की यील्ड बढ़ने से उनको सबको रोजगार मिला, लेकिन उनके अंदर में संस्कार वही पुराने थे। पुराने जो संस्कार हैं, कहने में हम इसके ऊपर गर्व कर सकते हैं कि हमारा सबका अपना अपना कल्चर है और वो जो डाइवर्सिटी में यूनिटी है, लेकिन मेरे को ये कहने में कोई संकोच और ये नहीं है कि हमारे भारतवर्ष में एक ऐसा वर्ग है जो डेवलपमेंट से बोलिए, सामाजिक संस्कारों से बोलिए, अछूता रह गया है। छोटी वर्ग के लिए राजेंद्र जी के दिल में इतना प्यार और संवेदना को देखते हुए सभी लोगों को दिल में इस महान शख्स के लिए भक्ति और श्रद्धा जाग उठा है। इन्होंने अपना आध्यात्मिक जीवन शैली को ही ज्यादा प्रचार पसंद करते हैं। वास्तव जीवन में एक चाय बागीचा की जनरल मैनेजर होते हुए भी इनका परिचय आज एक महात्मा के रूप में हर लोगों के दिल में बस गई है। इसी में इनका संतुष्टि है। वे चाहते हैं हर इंसान इनको प्यार स्वीकार करे। राजेंद्र जी हर सुबह यहाँ आके शिव जी के माथे में पानी और बेल की पत्ती डालते हैं। समय समय पर पूजा होती। श्रावण माह के अंतिम तिथि में यहाँ पर शिव जी की बहुत बढ़िया किस्म की पूजा पाठ होती है। पिछले कई सालों से यह पर्व मनाई जा रहा है। हजारों भक्तजनों दूर दूर से यहाँ आते हैं और शिव जी को दर्शन करते हैं। कौन कहेगा ये एक चाय इंडस्ट्री है। चाहे समाज के छोटे या बड़े वर्ग के लोग जो भी हो, दूर दूर से आते हैं यहाँ पर। एक दूसरे के साथ मिलने का यह मौका सबके लिए एक आकर्षक मेला जैसे ही है। सारा दिन पूजा पाठ शिव जी के दर्शन के बाद यहाँ पर संगीत का मन भवन कार्यक्रम भी रहता है।
श्रावण के पूरे महीना में हर हफ्ते रात में पंडित जी कथा सुनाते हैं। धर्म उपदेश गीता रामायण की कहानी से इन लोगों को प्रभावित करते हैं। बहुत ही श्रृंखला से सभी लोग इसमें शांति से भाग लेते हैं। सभी का हृदय में भक्ति जाग उठता है। एक जमाने में यहाँ का लोग धर्म को छोड़कर अधर्म के रास्ते को ही अपना लिया था। इन लोगों को रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था, लेकिन आज ये साबित हो चुका है कि इंसान जन्म से ही अपराधी नहीं होते और इंसानों में भला बुरा का अनुभव रहता है। आखिरी जो वर्ग थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो अदर्स जितने भी थे उनका नाम दे दिया गया था शूद्र। वो कोई शूद्र कोई जाति नहीं होती है। जिनको वो लोग नहीं इन तीन कैटेगरी में डालने सके उनको इसमें डाल दिए, क्योंकि उनके लिए समाज ने कुछ कंट्रीब्यूट भी नहीं किया था। वो समाज का एक अछूता वर्ग रह गया जिसको जैसे संस्कार मिले मिलते थे। मानवेंद्र दास जी, हाँ। तो यहाँ आप किस मकसद से आए हैं? हम यहाँ आए हैं, भक्त जो आते हैं हम लोग हर साल यहाँ पर पानी चढ़ाते हैं शिव बाबा जी को। सावन महीना में यहाँ मेला लगता है शिव जी का, त्यौहार लेके आते हैं हमारे कलकली घाट से। बाहर से भी आते हैं लोग, यहाँ पर आकर ये भोले बाबा को हम लोग पानी चढ़ाते हैं। सावन का महीना में हम लोग आप हर साल आते हैं? हाँ, हर साल आते हैं। कितने दिन से यहाँ आ रहे हैं आप? कितने साल हम आ रहे हैं? छोटे जब मैं था उसी टाइम से आता, पहले मंदिर नहीं था। ये हुआ है आपका 10 साल रनिंग चल रहा है बाबा का। तो यहाँ का जो ये जो धार्मिक चेतना है आप लोगों का कैसा लग रहा है? हम लोग का बहुत अच्छा लग रहा है। हर एक हमारा यहाँ हर एक संप्रदाय का लोग आता है, हिंदू धर्म का सभी लोग आते हैं। आसपास जितना गार्डन है सभी गार्डन से आते हैं। आपको बहुत अच्छा लग रहा है ये? हाँ, हमें अच्छा खूब लगता है ऐसा। आप चाहते हैं कि ये मंदिर और भी आगे बढ़े? हाँ, इसका मतलब है यार जितना सा जितना बड़ा चाहिए होगा इतना ही अच्छा चाहिए। हमारा मन में ये इच्छा यही है कि हमारा जो ये सनातन धर्म का महागुरु लोग जो है बिहार में रहते हैं या चुनाव अखेड़ा में रहते हैं, दशनवी का है, वहाँ का बड़े बड़े महंत लोग यहाँ पर आए। बड़े बड़े महंत लोग आने से हम लोग का ये और ऊंचा होगा। सरकार के पास आपका कोई डिमांड है? डिमांड है हमारा इस इलाका का उन्नति चाहिए बीजेपी सरकार का पास। मेरा ये मोदी सरकार जी का मेरा ये अनुरोध है, उन्होंने हम लोग का ये बरातली का अच्छा जैसे करे अच्छा अच्छा प्रोग्राम होना चाहिए, अच्छा अच्छा काम करना चाहिए। बीजेपी मोदी सरकार बहुत आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग भी उनका यही कहना है। जो मेरा पीछे का जो मैंने बताया कि ये समाज का वो वर्ग है जो वर्षों से उपेक्षित है, इनको हम लोग सिर्फ
एक श्रमिक की दृष्टि से देखते हैं, इंसान की दृष्टि से नहीं देख पाए अभी तक। हर इंसान के भीतर में वो सारे जज्बात होते हैं, जो आदमी बड़ा हो या छोटा हो, और अगर हम इनको वो संस्कार दे सकें जो हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं, तो इससे एक अच्छा वातावरण बनता है, आपस में एक विश्वास पैदा होता है, और उसका जो फायदा है वो इंडस्ट्री को भी है और उन आदमियों को भी है और पूरे समाज को है उसका फायदा। राजेंद्र जी की सपना था भगवान शिव जी के आशीर्वाद से अपने इलाके के हर इंसान को एक नई दुनिया की रोशनी दिखाना, जहाँ प्यार रहेगा, संप्रीत रहेगा, लोग जहाँ सच और संवेदना को लेकर आगे बढ़ेगा, यहाँ ना कोई अवहेलित रहेगा ना अछूत रहेगा, विश्वास और ईमानदारी होगा इनका धर्म। शायद इनका ये सपना आज पूरा हो चुका है। प्यार और श्रद्धा से आज ये मजदूर इनको ही अपना भगवान समझने लगे। इसमें ना कोई राजनीति ना कोई स्वार्थ है। ऐसा लगता है कि भगवान शिव शंकर के आदेश से ही राजेंद्र प्रसाद पांडे जी एक मैनेजर के रूप में यहाँ इन वेवस इनोसेंट मजदूरों को सही रास्ता दिखाने के लिए आए हैं। इन्होंने कभी अपना स्वार्थ के बारे में नहीं सोचा, सोचा तो बस इनके लिए ही सोचा, क्योंकि इंसान के दिल में ही भगवान बसी हुई है और हर इंसान एक देवता जैसे ही है। सिर्फ एक बार इंसान को अगर प्यार किया जाए तो उसका आत्मा जाग उठता है, वे प्यार के लिए अप